बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त हवा चल रही है गरम गरम, क्योंकि पूरा दिन इतनी सख्त गर्मी के बावजूद हमने सोचा कि अभी बाहर चलते हैं, वीडियो बनाते हैं। और यही सोचते सोचते ना पूरा 6 का टाइम हो गया है। अब वीडियो भी बनानी है, अपलोड भी करनी है, खाना भी पकाना है, पता नहीं कितने सारे काम करने हैं, टाइम बहुत कम है। सिकंदर भाई भी आए हुए हैं आज, तो अभी बच्चे सिकंदर भाई के बच्चे भी आए हुए हैं, तो अभी हमने शुरू किया है खाना बनाना। तो मैंने सोचा कि पहले व्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द। ये पता है क्या चीज़ है? ये लाटू है। ये अभी हसीब को चला के दिखाते हैं। हाँ हसीब देख, चेक कर, इसमें लाइटिंग भी लगी हुई है। ये रात को जलती है। रात को नजर नहीं आ रही, रात को जलती है तो नजर आती है। अभी पानी बनाया हुआ है, ठंडा, गर्मी ना बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा पहले मुझे पानी पिला दो। तो ये अभी इसमें डालो पानी, ये है टैंक वाला पानी। पानी जो है ना, कितना दिल करता है पानी पीने का, सारा दिन जो है ना भूख नहीं लगती, दिल करता है सिर्फ आप ही पानी पीते रहे। सुबह की रोटी जो है ना, रात को हमने खाई है रोटी, अभी तक रोटी नहीं खाई हमने। सुबह जो है ना वो क्या कहते हैं, लस्सी पी है, कच्ची लस्सी दूध वाली। मैं आपको बताऊं, आज गांव में आपको एक चीज बताऊं। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो, आप कुछ ले लो, पैसा आप पहले आप पहले दिखाओ, पहले दिखाओ। ये प्लास्टिक वाली है, चूहा चूहा, प्लास्टिक वाला चूहा है। क्या बना रही? चने की दाल। चढ़िया की दाल, चढ़िया की दाल असाई को सडेने, चढ़िया की दाल असा फ्रैके जी को सडेने, चढ़िया की दाल। वैसे तो चने की दाल कहते हैं ना इसे, लेकिन असा तो सडेके की दाल सेने बे के बे चढ़िया की दाल। हां, ए चढ़िया की दाल। तो चढ़िया की दाल जेरी ना, ए ज्यादातर गर्मियां जैसा बनेने हैं, सर्दियां दे विच ऐसा कहने बनेंदे, सर्दियां विच बनेने छोटी दाल, धोती दे मोहरी। हां, धोती दे मोहरी, धोती दे मोहरी दाल बनेने। पता नहीं सडेके को समझ आती सारी ते बाकी जिना को समझ नहीं आवणी ओ तू बनी है भाई। अभी हम इधर देख रहे थे सड़क पर 3-4 गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही थी, देख रहे थे कि इधर हमारे इलाके में गाड़ियाँ कहाँ से आ गई। असल में ना इधर ये रोड नहीं है ना, गाड़ियाँ किस्मत की शायद कोई शादी हो, 3-4 नहीं काफ़ी सारी हैं। आपको 3-4 तो आगे चली गई, वो देखो 2-3 पीछे भी जा रही हैं, मेरे ख्याल में कुछ शादी लेकर जा रही हैं। आप समझ नहीं आ रहा, मोटरसाइकिल भी है, बारात बारात है, शादी है किसी की, बारात लेकर जा रहे हैं। तो जी हाँ, तो मैं ना बारात जो है ना टाइम से लेकर जाते हैं। अभी सूरज शहरों में तो ऐसा आधी रात होती है, फिर बारात लेकर आते हैं और फंक्शन जो है ना उसके होते हैं शादी हाल में, लेकिन हमारे देहातों में खुले खुले माहौल, खुले खुले घर होते हैं, तो अपने घरों में अपने वो लास्ट वाली हमारी गाड़ी लग रही है, वो लास्ट वाली आप देख लें एंड में, वो हमारी गाड़ी लग रही है मेरे ख्याल में। अभी मुझे अब समझ में आया कि तो इस रात को देख कर ना मुझे आप एक स्टोरी याद आई है, मैं वो अभी आप लोगों को बताती हूँ, सुनाती हूँ, एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। लेकिन अभी ये रात किसकी? ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ये हमारे ये बताएं बाकी बाकी छोड़ें, ये किसको सख्ती चाहिए हुई है कि अभी गर्मी में शादी इतनी सख्त गर्मी में ना कोई भी फंक्शन हो बहुत मुश्किल होता है, पानी पूरा नहीं होता गर्मियों में है ना। मैं सिकंदर भाई से ये बात कर रही थी कि कल सुबह से लेकर आज शख्स पूरी रात लाइट भी नहीं है, कल दिन को भी नहीं थी और आज तकरीबन 12 बजे लाइट आई है। तो अभी मैं सिकंदर भाई से पूछ रही थी कि वो जो ग्रेट जला है रात को जो है ना, आए थे ना अपने जो MNA है, हाँ। वो इधर उसका जलसा था रात, उसने बताया आवाम गई है ना उसके पास भी, लाइट क्यों नहीं है? आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी, ये पूरा ग्रेड बहुत ज्यादा जल गया है, वो अपना दुनियापुर वाला, दुनियापुर वाला ग्रेड मुकम्मल जल गया है। तो अभी दिन को मियाँ साहब ने कहा है कि भाई मैं जाना 12-1 बजे तक ना आपको लोधरा से कनेक्शन करवा के दे रहा हूँ, तो वो खुद गया है, उसने कनेक्शन करवा के दिया है। तो अभी लाइट आई है, अभी ये लाइट हमारे पास 24 घंटे में से ना सिर्फ 8 घंटे रहेगी, 8-10 घंटे रहेगी और उसके रोज लोड शेडिंग होगी। ये अभी 25 दिन के लिए है, जब तक ग्रेड वो नहीं होता। अच्छा, दिन में सिर्फ 8 घंटे आया करेगी, पूरे 24 घंटे में, 24 घंटे में हम वही तो बोल रही हूँ ना, 24 घंटे में, इसलिए कि पानी भर लें पे सारा काम, हाँ बहुत काफ़ी सारा काम होता है, मशीनरी होती है, जैसे फसलों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पूरे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, मोटर लगी हुई हैं, तो जैसे कि नहरी पानी तो बहुत ही साल किल्लत है नहरी पानी की,
एक मुकम्मल आपको बताया कि तकरीबन 2 महीने हो गए पानी जब तक आता था हमारे इलाके में, 2 महीने हो गए, 2 महीनों के पानी हमारी फसलें बहुत अच्छी हो जाती थी, लेकिन एक हमें बारी लगी है पानी की, नहर नहीं है पानी। तो यही मतलब एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ आज शादी के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको देख के बता रही थी ना कि किसी की बारात जा रही है, मुझे याद ही नहीं था, मैं आज असल में ना सुबह चली गई कपड़े धोने के लिए, वो ट्यूबवेल चल रहा था तो मैंने सोचा कि कपड़े धो ले, बच्चे जो है ना अदनान के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो एकेडमी चला गया, बच्चे स्कूल से वापस आए तो वो अंदर सो रहे थे, तो मैंने कहा कि बाकी घर का काम ख़त्म कर लिया मैं, चलो थोड़ा टाइम बचा है तो कपड़े धो लूँ, तो मैं कपड़े धोने के लिए चली गई। तो जब मैं वापस आई तो मेरे सर पर कपड़े थे, और मैं वापस आके ना इधर से दरवाज़ा खटका खटका के ना दरवाज़ा बिल्कुल बंद था, भाई पता नहीं बंदे कहाँ हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई आवाज़ नहीं, इधर से मैंने दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खटकाया लेकिन अंदर से कहीं से आवाज़ नहीं, फिर मैं उस गेट की तरफ से चली गई। तो जब उधर से गए तो उधर से भी दरवाज़ा अंदर से लॉक था, अब मैं क्या करूँ, मैं तो इतनी सख्त गर्मी में मेरे सर पे कपड़े थे, मैंने फिर क्या किया कि मैंने कहा कॉल करती हूँ, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो अंदर था, तो अब बहुत मुश्किल हो गई, तो मैंने कहा किससे पूछूँ भाई कहाँ गए हैं, दरवाज़े दोनों तरफ से बंद है, पता नहीं अंदर कोई है भी कि नहीं है। तो बहुत कोशिश के बावजूद मैंने बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटकाया, कपड़े रख दिए मैंने, तो बाद में मैंने दरवाज़ा खटकाया और अंदर से सिर्फ एक फिजान निकला, तो मैंने कहा अभी कहाँ थे, वो कहते हैं मैं तो पंखा चला के सोलर वाला पंखा चल रहा था तो मैं तो सो रहा था, अब बताएं एक पंखा सोलर वाला सिर्फ चल रहा था, लाइट थी नहीं, इतनी सख्त गर्मी में दोपहर का वक्त था। तो जब मैं अंदर पहुंची तो पूछा अभी कहाँ गए हैं, सब कहते हैं वो छोटी अम्मी और अबू जो है ना वो तो चले गए हैं शादी पर, तो बाकी जो है ना बच्चे अदनान जो है, वैसे मैंने आप जैसा कि आपको बताया स्कूल में था तो बाकी घर में कोई था नहीं, तो फिर अंदर मैं सो गया। और फिजान की नींद की मैं आपको बात बताऊं, एक मरतबा वो फिजान सो जाए ना उसको मैं उठा के जहाँ भी रख दूँ ना उसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। तो अभी जो है ना आए हैं हम आपको दिखाने के लिए कि हमने इतनी सख्त गर्मी में भी पंखा कैसे चलाया, तो हमने ट्रैक्टर को ना फिजान ने और हसीब ने मिलकर और जो हमारा जानवरों में जो हमारा बेली खड़ा है तो उसको मैंने कहा क्योंकि कोई ट्रैक्टर आगे करने वाला तो था नहीं, तो वहाँ खड़ी थी ट्रैक्टर, इन्होंने सब लोगों ने मिलकर आ धक्का लगाया, बहुत जोर से धक्का लगाते लगाते तो ट्रैक्टर को करीब लेकर आए और फिर इसके से तार लगा के ना हमने पंखा चलाया, इतनी सख्त गर्मी में फिर हमने ये काम किया। तो अभी जो है ना ये पंखा चल रहा है, एक पंखा चल रहा है एक कमरे में ट्रैक्टर की वो बैटरी से, और दूसरा उस छत पर सोलर सिस्टम वाली एक प्लेट पड़ी है उससे चल रहा है पंखा। तो ये थे हमारे हालात, और हसीब को देखो, हसीब जाओ सलाम करो, हसीब सलाम करो, और हसीब कहना दिल लग गया इस जोड़े से, जब भी देखो सबको फेंकर में यही पहन लेता है, मैंने इसको बहुत मरतबा कहा कि दूसरे कपड़े पहना करो, नहीं कहता ये बहुत अच्छे हैं मैं यही पहनूंगा, अब पता नहीं कितने दिन हो गए, रोज धो के सुबह खड़ाती हूँ जैसे स्कूल से वापस आता है फिर पहन लेता है। इसके काम देखो, इसमें इसके कबूतर मैंने भिजवाए हैं, फिर नया काम इसने शुरू कर दिया है, अब ये क्या है बताओ जरा, ये अंडे दिए हैं मुर्गी के नीचे, अंडे दिए हैं, ये देखो पहले जो दिए थे ना उसके सिर्फ 3 बच्चे हैं वो सामने, उन्नीस अंडे दिए हैं इस बार, पिछली मरतबा 13 अंडे दिए थे 8 बच्चे निकले थे, 8 बच्चों में से ना बाकी जो 3 बच्चे हैं बाकी के 5 जो है ना वो इस दरवाजे से जाते थे बाहर, पता नहीं कहीं नैलू होते हैं या कहीं कुत्ते वगैरह डोगी वगैरह जो होते हैं ना वो उन्होंने खा लिए हैं, तो हमें बड़ी मुश्किल से इन 3 बच्चों को भी अंदर बंद कर करके बड़ी मुश्किल से पाला, मैंने इनको कहा है कि अभी ना कराएं, बच्चे जो है ना वो अभी कहते हैं मैं इसके लिए ना अलहदा से एक जगह बनाऊंगा, कमरा छोटा सा कमरा बनाऊंगा उसमें इसको रखूंगा, पता नहीं क्या करेगा ये शौक है इनके कहते हैं मेरे सारे कबूतर बेच दिया, मुर्गियाँ भी नहीं पालने देती, पहले कहती थी कबूतर बेच कर मुर्गियाँ पालो, अब कहती हैं मुर्गियाँ भी बेचो है ना। हमने मसाले सारे बना लिए हैं, टमाटर भी काट लिए हैं और कद्दू भी काट लिए हैं और प्याज वगैरह सब कुछ काट लिया है, अभी आग जल रही है देखते हैं बुझ क्यों नहीं है, मोटी लकड़ी डाली है ना इस वजह से जल्दी बुझ जाती है। मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाह रही हूँ, तो मैंने कुछ एक दो दिन पहले अपनी एक छोटा सी वीडियो डाली थी
अपने चैनल पर। तो जो मेरी काफ़ी सारी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, जिन्होंने न्यू चैनल बनाए हुए हैं या बना रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो एक ही बात करते हैं कि हमें हमारी हेल्प करते हैं, हमारे चैनल के जो है ना वो सब्सक्राइबर काफ़ी सारे हो जाएं और उसका वॉच टाइम जो है ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए, तो आप ना हमारी हेल्प कर दें। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। और इसके अलावा जो है ना, मैंने सोचा है कि आपके लिए मैंने सोचा है कि जो मेरी बहनें कॉल करती हैं, तो उनके लिए मैंने आपको नीचे एक नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है वो, आप उस पर व्हाट्सएप वहाँ आप जाएँ और बात करें वहाँ से। और जिसका नंबर है उसका नाम है सलमान, तो ये काम वो कर रहा है। वो जिसका नंबर मैंने दिया उसका नाम सलमान है, अपना बच्चा है। तो मैंने आपके फ़ायदे के लिए ये कहा है कि आप बिला झिझक आँखें बंद करके इतबार कर सकते, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लोग पैसे देते हैं, लोग दूसरे जो पैसे लेने वाले होते हैं कहते हैं कि हम आपका वॉच टाइम मुकम्मल कराएँगे, सब्सक्राइबर मुकम्मल कराएँगे और सब कुछ आपको करके देंगे, तो लेकिन वो जैसे कुछ दिनों बाद फिर भाग जाते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी, बिल्कुल इत्मीनान के साथ और भरोसे के साथ आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो आप लोगों के फायदे के लिए ये बात है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो सिर्फ आप लोगों से मैंने यही बात शेयर करनी थी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, खाना बनाना है अभी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।